ट्रेन ही रुक गई, अब वो लोको पायलट शायद उतरेगा और इसको हटाएगा। पायलट उतर के आया है और अब वो हटाएगा इनको। स्पीड देख रहे हो दोस्तों कितनी तेज स्पीड है। तो हे वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है दोस्तों, वो नई दिल्ली से लेके और दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है वाराणसी के रास्ते होते हुए होने वाली है। जो ट्रेन आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है मगध एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो है 9:05 पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन बताई गई है दोस्तों, बाकी हम देखते हैं इसमें कैसा माहौल है। पूरी रात का ये हमारा सफ़र होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कुछ देर का, तो सुबह शाम को 9 बैठ के और सुबह 9 ही हमें वहाँ पे उतरना है दोस्तों। और आज की जो ये जर्नी है बहुत ही गजब होने वाली है। रात का सफ़र है और अभी तक पूरी रात का सफ़र हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। स्लीपर क्लास की इस जर्नी में क्या क्या देखते हैं आज, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, इस पूरी वीडियो में आपको दिखेगा दोस्तों। अभी ट्रेन चलने में काफ़ी टाइम है क्योंकि अभी 5 बजे हैं, तब तक आपको मैं स्टेशन दिखाता हूँ कैसा है। 14 प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी तो 14 प्लेटफॉर्म पे चलते हैं हम। अभी अप्रोक्सीमेटली 9 बज गए हैं और हम हैं प्लेटफॉर्म पे। अभी ट्रेन नहीं लगी है, 14 पे दिखा रहा है और कुछ टाइम बचा 5-10 ही। तब तक के लिए हम देखते हैं कहीं खाने वगैरह का अरेंज करते हैं कि कहीं से मतलब यहाँ पर कुछ खाना, क्योंकि कोई रात का सफ़र है, क्या पता अंदर खाना मिले या ना मिले, तो बेटर रहेगा हम पहले से अपनी तैयारी करके चले। तो यहाँ पर ढूंढते चलो कहीं पे खाना वगैरह, माहौल दिखा देता हूँ स्टेशन का। को एक पानी को अभी ट्रेन चलने में अप्रोक्सीमेटली 10 हैं, आप देख रहे होंगे, और ट्रेन पीछे हमारे जो है देखो लग चुकी है और डब्बा हमारा अनफॉर्चुनेटली पुराना सा डब्बा आया है। वैसे बाकी सारी ट्रेन ठीक है और पीछे हमारे जो ये उत्तर संपर्क क्रांति जा रही है जो अपनी स्पीड के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों। काफ़ी भीड़ है, देखो मैं दिखा रहा हूँ बुकिंग के रहते हुए भी। ये देखिए ये स्लीपर क्लास का हाल है और एसी में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है, मतलब देखा सोचा नहीं था हमने। तो S4 हमारा कोच है, S4 में हम आ चुके हैं अभी और अभी चलने में 10 इसमें बाकी है, देखते हैं यहाँ पे कैसा है। चलो आपको अंदर का सीन दिखाते हैं कैसा है यहाँ से। देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए किस कदर है और ये हमारे कोच हैं, दोनों मिडल कोच आए हैं। ये यहाँ का सिंक, कोई क्लीननेस नहीं है ज़्यादा, और वॉशरूम देखते हैं, वॉशरूम भी ऐसे ही है, नहीं है कुछ। ये देखिए, और आज हमारे साथ बहुत बुरी बनने वाली है क्योंकि ये ट्रेन जा रही है बिहार और आपको पता ही है बिहार क्या होता है, दिखाता हूँ कुछ मैं। यहाँ हर किसी के मुंह में कोई भी हो ऐसे रहे, आप समझ जाओ क्यों, और मुझे इस चीज़ से सच में बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और ट्रेन चल पड़ी है, टाइम देखिए पूरे 9 बज के 5 मिनट पे ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है, हमारी ट्रेन का डिपार्चर है। देखिए हमारा अगला स्टॉप अब अलीगढ़ है डायरेक्टली, 11:30 के अराउंड, और 11:50 भी है। अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं, वाइट टी शर्ट डाल रखी है तो देख, क्योंकि गंदी हो जाएगी रात को सोते टाइम, तो बदल लेते हैं अभी चल के देख दो वॉशरूम की तरफ। और अब हम सीट फिक्स कर लिया लेटने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमारी मिडल आई है अनफॉर्चुनेटली, मुझे सच में यार बहुत कभी भी पसंद नहीं थी मिडल, लेकिन अब इस बार दोनों ही मिडल आके बैठ गए हमारी। अब ये भी लगा दे
टीटी सर आ गया हमारी चेक करने के लिए टिकट। अब ये हमारी टिकट चेक कर। रात के बज चुके हैं करीब 12 से कुछ 10-15 मिनट रहती हैं बजने में और हमारा खाना आ गया है दोस्तों। 1.5 घंटे बाद हमारा खाना आया, हम भूख से तड़प चुके थे। चलो शुक्र आ तो गया, अब हम खाना खाते हैं। चलो अभी अलीगढ़ स्टेशन आया है, देख रहे हो रात के करीब 12 बजने वाले हैं और लेट हो रखी है ट्रेन। ये नई दिल्ली के बाद सीधा यहाँ पे स्टॉप आया है अलीगढ़ जंक्शन का। अप्रोक्सीमेटली 12 बज चुके हैं। नहीं, आउट ऑफ प्लेटफॉर्म है ना। अरे 12 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन जो आई है अलीगढ़ जंक्शन पे, देख पा रहे हो क्या? अब सीधा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो कुंडला जंक्शन है। तो मिलते हैं, देखते हैं। अभी तो सोने की तैयारी, खाना वगैरह खा लिया है, हो गया है। अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप था आपको दिखाना था जो, और कुंडला इसके बाद आने वाला है। स्पीड बहुत ही गजब स्पीड है, मतलब रात का टाइम में दिखा तो नहीं सकते, लेकिन 1 घंटा फिर भी लेट हो गई क्योंकि बीच में रुकी थी। ये देखिए और काफ़ी अच्छा सीन है। अब खाना वाना खा के हमने और बिल्कुल मस्त और आसान चल दिया। देखो यहाँ से पूरे 2 मिनट का स्टॉप था ओनली। और अब आ जाओ भैया। और ये अलीगढ़ जंक्शन से पूरे हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। जस्ट 2 मिनट का स्टॉप यहाँ पे था इसका। खाना वाना हो गया है और सोने की तैयारी में, बस काफ़ी मतलब 1 बज गया है और अलीगढ़ से तो ट्रेन निकल चुकी है काफ़ी टाइम से और स्पीड देख रहे हो काफ़ी तेज स्पीड है। तो हम तो सुबह ही मिलते हैं, अगर कुछ सीन हुआ बीच में दिखाने का तो बीच में दिखाएंगे। तो मिलते हैं, देखते हैं सुबह और थोड़ी देर सो जाते हैं। अभी अभी मेरी आँख खुली है दोस्तों और जैसा कि देख पा रहे हो कि सुबह हो चुकी है। पता नहीं कौन से स्टेशन पर रुकी हुई है ट्रेन। 6:30 बजे हैं और हमारी ट्रेन पहुंची है इलाहाबाद, जो ये प्रयागराज जंक्शन है। अभी है कानपुर से सीधा ये स्टॉप है, 3 घंटे के बाद यहाँ पे रुकी है और सुबह हो चुकी है। अभी पूरा बारिश का माहौल है अब, और यहाँ से पूरे टाइम पर डिपार्ट हो गई है अपनी। देखिए स्पीड देख रहे हो दोस्तों, कितनी तेज स्पीड है। दोस्तों करीब आधा घंटा बचा है और हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वो आने वाला है। 4 से 5 स्टॉप हमारे बचे हैं, टाइम हमारे पास आधा घंटा बचा है और अब हम सब पैक कर लेते हैं जो हमारा सामान बिखरा हुआ है। स्पीड आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी स्पीड है। मिर्ज़ापुर से हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है और अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर करीब 9 बजे पहुँचेगी। शाम को 9 बजे ही बैठे थे और सुबह 9 बजे ही दोस्तों उतरेंगे। तो देख पा रहे हो स्पीड, देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा है, करीब 130-140 के करीब स्पीड है। तो एक बार पैक कर लेते हैं। चलो दोस्तों हमारा जो भी कुछ यहाँ है नहीं होगा थोड़ा। कोई इमरजेंसी आई है दोस्तों, अजीब से हॉर्न लग रहे हैं। वो सामने ट्रेन के आगे गायें अड़ी हुई है और वो हट नहीं रही है। ये देखिए वो ट्रेन ही रुक गई, अब वो लोको पायलट शायद उतरेगा और इसको हटाएगा। ये वाराणसी के अराउंड ऐसा ही होता है जितनी भी। ये देखिए वो लोको पायलट उतर के आया है और अब वो हटाएगा इनको। ये देखिए ये पन्नी खा रही है। ये देखो असिस्टेंट लोको पायलट और ये खा रही है।
दोस्तों हम 10 मिनट पहले उतर चुके हैं अपने दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर। ये देखिए पीछे हमारी ट्रेन लगी हुई है, 10-15 मिनट पहले ही आ गई है ये। दोस्तों बारिश का मौसम हो रखा है, देख पाए पीछे छोटी छोटी बारिश आ रखी है। और अब हमारा वक्त हो चला है वीडियो को एंड करने का। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी। सच में मेरा ये पहला सफ़र था रात का, पूरी रात का, वो भी 9 बजे से चले थे और 9 बजे ही अब यहाँ पे उतरे हैं। तो एक प्यारी सी वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको एक प्यारी सी वीडियो में।